कान्हा जी मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के पिछली वीडियो में हमने 6.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 6.2। पहले उसके आर्टिकल्स पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए 6.2 के आर्टिकल्स क्या है हमारे पास। अदर मेथड्स फॉर फाइंडिंग इनवर्स ट्रांसफॉर्म क्या है कि अगर लैपलेस इनवर्स एफ ऑफ एस हमें एफ ऑफ टी के इक्वल गिवन है, तो अगर एस की जगह एस माइनस ए है तो ई रेज टू पावर ए टी हम बाहर निकाल देंगे, लैपलेस एफ ऑफ एन इनवर्स एस बचेगा। देखिए लैपलेस इनवर्स एफ एस किसके इक्वल है, एफ टी के। तो आप लैपलेस अप्लाई करते हैं, एफ एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैपलेस एफ ऑफ टी। अगर मैं इस ई रे यहाँ पे ई रेज टू पावर ए टी मल्टीप्लाई करूँगी तो वहाँ पे एस माइनस ए हो जाएगा, फिर लैपलेस इनवर्स अप्लाई कर दिया है। सेम देखिए सेकेंड वाले में, अब लैपलेस इनवर्स एफ ऑफ टी एस एफ ऑफ टी के इक्वल गिवन है। हमने यहाँ पे पता है कि अगर मैं एफ डैश का लैपलेस इनवर्स लेती थी तो किसके इक्वल होता है, एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो, और एफ ऑफ जीरो जीरो गिवन है ही, तो यहाँ से लैपलेस एफ डैश टी किसके इक्वल है, एस एफ एस है। तो लैपलेस इनवर्स अप्लाई कर देंगे दोनों साइड, एफ डैश टी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए, अगर मैं एस की एफ ऑफ एस को एस की पावर एन से मल्टीप्लाई करूँगी तो उतनी ही टाइम फंक्शन का क्या चला जाएगा, डेरिवेटिव चला जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगर लैपलेस इनवर्स एफ एस एफ टी के इक्वल है तो लैपलेस इनवर्स एफ एस बाई एस जीरो टू टी एफ टी डी टी के इक्वल होता है। देखिए कैसे, हमने वहाँ पीछे आर्टिकल पढ़ा था कि लैपलेस जीरो टू टी एफ यू डी यू किसके इक्वल है, एफ ऑफ एस बाई एस के। लैपलेस इनवर्स क्या कर देंगे, दोनों साइड अप्लाई कर देंगे। देखिए जब मैं वन टाइम एस से डिवाइड कर रही हूँ तो एक इंटीग्रेशन, जब मैं एस केयर से करूँगी तो मैं टू टाइम इंटीग्रेशन चला जाएगा, छह एस क्यूब से डिवाइड करूँगी तो थ्री टाइम चला जाएगा। जितनी बार एस से डिवाइड करेंगे उतनी बार क्या चला जाएगा, इंटीग्रेशन चला जाएगा हमारे पास यहाँ से। नेक्स्ट है लैपलेस इनवर्स एफ एस एफ टी के इक्वल गिवन है तो लैपलेस इनवर्स माइनस डी बाई डी एस एफ एस टी एफ टी के इक्वल होगा। देखिए लैपलेस इनवर्स एफ एस एफ टी के इक्वल है तो यहाँ से एफ एस की वैल्यू क्या बन जाएगी, लैपलेस एफ ऑफ टी। ठीक है, अगर मैं टी मल्टीप्लाई करती थी तो देखिए वहाँ पे क्या होता था, एफ एस का डेरिवेटिव चला जाता था, लैपलेस इनवर्स अप्लाई कर देंगे दोनों साइड। नेक्स्ट है देखिए, हमने क्या प्रूव करना है, लैपलेस इनवर्स एस टू इन्फिनिटी एफ एस डी एस एफ टी बाई टी से एक के इक्वल देके आना है। देखिए एट टी लैपलेस एफ ऑफ टी अगर एफ ऑफ एस के इक्वल था तो हमने फिफ्थ चैप्टर में पढ़ा था कि लैपलेस एफ टी बाई टी किसके इक्वल होता है, एस टू इन्फिनिटी एफ एस डी एस। लैपलेस इनवर्स अप्लाई कर देंगे, हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। इन्हीं को बेस मानते हुए एक्सरसाइज 6.2 शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.2। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वन अपॉन में एस माइनस ए का क्यूब। देखिए एस माइनस ए आया है तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पे। एक्सरसाइज 6.2 फर्स्ट क्वेश्चन, लैपलेस इनवर्स निकालना है एस माइनस ए का क्यूब। देखिए मैं इसको लिख सकती हूँ ई रेस्ट पावर ए टी, मैंने बाहर निकाल दिया, लैपलेस इनवर्स क्या बन गया, वन बाई में एस क्यूब, और वन बाई एस क्यूब का लैपलेस इनवर्स क्या होता है, टी स्केयर बाई में टू फैक्टोरियल, क्योंकि लैपलेस इनवर्स ऑफ एफ वन बाई में एस रेस टू पावर एन प्लस वन किसके इक्वल होता है, टी रेस टू पावर एन बाई में एन फैक्टोरियल, इसका यूज़ किया है आंसर आ जाएगा। सेकेंड क्या है, लैपलेस इनवर्स निकालना है वन बाई में एस क्यूब एस प्लस वन का। देखिए एस क्यूब नीचे तीन पावर मल्टीप्लाई में है तो थ्री टाइम इंटीग्रेशन जाएगा, लेकिन किसका, लैपलेस इनवर्स एस प्लस वन का। तो पहले लैपलेस इनवर्स वन अपॉन में एस प्लस वन निकालने हैं, वो क्या बनेगा, ई रेस टू पावर माइनस टी। अब मैंने क्या किया है, एस की क्यूब यानी कि एस की पावर थ्री से डिवीजन की है, तो थ्री टाइम इंटीग्रेशन जीरो से टी जीरो से टी जीरो से टी किसका, ई रेस टू पावर माइनस टी डी टी का, करो इंटीग्रेशन डी टी और साथ में डी टी तीनों टाइम इंटीग्रेशन, जीरो टू टी जीरो टू टी इंटीग्रेशन किया ई रेस टू पावर माइनस टी बाई माइनस वन जीरो टी डी टी और डी टी क्या बनेगा, जीरो टू टी जीरो टू टी इंटीग्रेशन की वैल्यू पुट करेंगे वन माइनस ई रेस टू पावर माइनस टी डी टी डी टी, सेकेंड टाइम इंटीग्रेशन करें जीरो टू टी, देखिए वन का तो टी क्या टी बन जाएगा माइनस में ई रेस टू पावर माइनस टी और बाय में क्या हो जाएगी मेरे पास माइनस वन, तो ये क्या चली जाएगी प्लस वन और क्या है जीरो से टी डी टी, टी पुट करेंगे तो देखिए जीरो टू टी टी माइनस ई रेस टू पावर माइनस टी, जीरो पुट करेंगे साथ में क्या हो जाएगी वन और साथ में क्या है डी टी, करो इंटीग्रेशन टी स्केयर बाय टू प्लस में ई रेस टू पावर माइनस टी माइनस टी जीरो से टी हो जाएगा। अगर मैं वैल्यू टी पुट करूंगी, देखिए टी स्केयर बाय टू
प्लस में ई रेज टू पावर माइनस टी, माइनस टी, ज़ीरो पुट करेंगे ज़ीरो, ये क्या हो जाएगी माइनस वन, ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा लैपलास इन्वर्स का। जितनी बार हमारे पास एस की पावर जितने डिनोमिनेटर में है उतनी बार क्या चला जाएगा इंटीग्रेशन चला जाएगा। उसके बाद है थर्ड में, देखिए थर्ड क्या है हमारे पास, लैपलास इन्वर्स निकालना वन अपॉन में एस, एस प्लस वन का क्यूब। देखिए यहाँ पे एस प्लस वन का क्यूब है लेकिन मुझे क्या लेके आना है एस का क्यूब लेके आना है, तो मैं इसको क्या करती हूँ शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से ई रेज टू पावर माइनस टी लैपलास इन्वर्स एस की जगह क्या हो जाएगा एस वन, एस माइनस वन और सॉरी एस प्लस वन हो जाएगा और एस प्लस वन की जगह क्या चला जाएगा एस चला जाएगा हमारे पास यहाँ से, सॉरी माइनस वन, एस प्लस वन, सॉरी प्लस वन आएगा, रियली सॉरी प्लस वन ये, और ये तीन टाइम इंटीग्रेशन चला जाएगा हमारे पास किसका एस माइनस वन का ई रेज टू पावर माइनस टी एज इट इज़, थ्री टाइम इंटीग्रेशन जीरो टू टी, जीरो टू टी, जीरो टू टी ई रेज टू पावर टी डी टी का इंटीग्रेशन आप सॉल्व कर ही सकते हो। नेक्स्ट है फोर्थ में, देखिए एस प्लस टू, एस प्लस टू की वैल्यू क्या है ई रेज टू पावर माइनस टू टी का टू टाइम इंटीग्रेशन। अब देखिए एस स्क्वायर बाहर, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसका होता है लैपलास इनवर्स साइन इनवर्स एटी, सॉरी साइन एटी, साइन एटी का फिर टू टाइम इंटीग्रेशन। फिफ्थ में हमारे पास लैपलास इनवर्स वन बाय में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये गिवन है, तो लैपलास इनवर्स वन बाय में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अगर मैं लेके चलूँ क्या होता था वन बाय ए साइन एटी, तो अगर मैं लैपलास इनवर्स वन बाय में एस स्क्वायर मल्टीप्लाई किया है तो क्या हो जाएगा टू टाइम इंटीग्रेशन जीरो से टी, जीरो से टी, वन बाय ए बाहर साइन ए टी डी टी डी टी, टू टाइम हमने क्या करना है इंटीग्रेशन करना है, वो आप कर सकते हो। सिक्स में हमने लैपलास इनवर्स निकालना है एस बाय में एस प्लस ए का होल स्क्वायर, इसके इक्वल दिखाना है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, अगर ई रेज टू पावर माइनस ए टी कॉमन निकाल दूँ तो लैपलास इनवर्स क्या बनेगा एस माइनस में ए बाई में एस का होल स्क्वायर, क्या किया है एस की जगह एस माइनस ए पुट कर दिया, मेरे पास ये हो जाएगा यानी ई रेज टू पावर माइनस ए टी लैपलास इनवर्स वन एस बाय में एस स्क्वायर माइनस ए बाय में एस स्क्वायर, ये बन जाएगा ई रेज टू पावर माइनस ए टी लैपलास इनवर्स वन बाय एस माइनस ए बाय एस स्क्वायर। सोल्व करेंगे ई रेज टू पावर माइनस ए टी लैपलास इनवर्स वन बाय एस तो वन और ए बाय एस स्क्वायर क्या चला जाएगा हमारे पास में ए टी, ये हमारे पास क्या हो जाएगा लैपलास इनवर्स आ जाएगा। बस ई रेज टू पावर माइनस ए टी से मैं ई रेज टू पावर माइनस ए टी बाहर निकाल दिया एस की जगह एस माइनस ए और नीचे क्या हो जाएगा एस स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास। उसके बाद आ जाता है सेवन्थ लैपलास इनवर्स वन बाय में सॉरी एस बाय में ए स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर कॉमन निकाल देते हैं लैपलास इनवर्स, तो यहाँ से क्या हो जाएगी वन बाय में ए स्क्वायर कॉमन निकाल दिया एस बाय में एस स्क्वायर प्लस बी बाय ए का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ मैं, वन बाय ए स्क्वायर बाहर लैपलास इनवर्स एस बाय में एस स्क्वायर प्लस बी बाय ए का होल स्क्वायर, और ये किसका लैपलास इनवर्स है कोस बी बाय ए टी का, ये हमारे पास में लैपलास इनवर्स आ जाएगा। देखिए एट्थ में एस रेज टू पावर फोर है एस स्क्वायर प्लस वन, एस स्क्वायर प्लस वन साइन टी, साइन टी की चार बार क्या करेंगे इंटीग्रेशन कर लेंगे। देखिए नाइन्थ अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो नाइन्थ टेंथ इलेवन ट्वेल्थ थर्टीन फोर्टीन्थ इन सब में लॉग यूज़ किया हुआ है, तो यहाँ से 19 से लेकर 14 तक के क्वेश्चन सेम होंगे। मैं कोई भी एक क्वेश्चन करवा देती हूँ, क्वेश्चन नंबर टेंथ करवाती हूँ मैं आपको। लैपलास इनवर्स निकालना है किसका लॉग एस प्लस वन का होल स्क्वायर बाय में एस प्लस टू एस प्लस थ्री, ये फाइंड आउट करना है हमने, ठीक है। इसमें हम यूज़ करेंगे, देखिए सबसे ज़्यादा हम जो हमें इजी पड़ता है लॉग वाला में वो हमारा यूज़ होता है कौन सा डी लैपलास इनवर्स एफ ऑफ एस, अगर एफ ऑफ टी के इक्वल है तो लैपलास इनवर्स माइनस डी बाई डी एस एफ ऑफ एस किसके इक्वल है टी एफ ऑफ टी के, इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि लॉग का डेरिवेटिव करना बहुत ज़्यादा ईजी पड़ जाता है हमें, ठीक है। तो यहाँ से अब हमें पता है वी नो कि अगर हमारे पास लैपलास इनवर्स माइनस डी बाई डी एस एफ ऑफ एस की इसके इक्वल होता है टी एफ ऑफ टी के इक्वल होता है, तो डेरिवेटिव लेके चलते हैं यहाँ से, तो लैपलास इनवर्स और ये किसके इक्वल है एफ ऑफ टी, लेट कर लेंगे कि ये किसके इक्वल है एफ ऑफ टी के, तो लैपलास इनवर्स एफ ऑफ एस इसको क्या लेके चलेंगे एफ ऑफ एस, वेयर एफ ऑफ एस किसके इक्वल है लॉग एस प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन में एस प्लस टू एस प्लस थ्री, तो वहाँ से हम ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो लैपलास इनवर्स माइनस डी बाई डी एस लॉग
एस प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन में एस प्लस टू, एस प्लस थ्री, किसके इक्वल हो जाएगा, टी एफ ऑफ टी, और एफ ऑफ टी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे देखिए अब इसको खोल लेंगे, लैपलेस इनवर्स माइनस डी बाई डी एस, लॉग का फॉर्मूला खोल देते हैं, क्या बनेगा, लॉग एस प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस लॉग एस प्लस टू एस प्लस थ्री इज इक्वल टू टी एफ ऑफ टी। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है, लॉग एम बाई एन किसके इक्वल होता है, लॉग एम माइनस में लॉग एन के, ठीक है, पहला फॉर्मूला ये यूज़ करना है। सेकेंड हम यूज़ करेंगे कि लॉग ए रेस टू पावर एम हो तो पावर क्या हो जाती है, आगे मल्टीप्लाई में हो जाती है। थर्ड थिंग कि लॉग एम एन किसके इक्वल होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन के, ये तीन फॉर्मूला हमने लॉग के यूज़ करने हैं इसके अंदर। देखिए अब लैपलेस इनवर्स माइनस डी बाई डी एस, लॉग देखिए टू आगे मल्टीप्लाई में हो जाएगा एस प्लस वन, माइनस में लॉग एम प्लस एन वाला फॉर्मूला अगर मैं खोल दूँ तो यहाँ से मेरे पास क्या बचेगा, देखिए अगर मैं खोलती हूँ तो एस प्लस टू माइनस लॉग एस प्लस थ्री, और यहाँ पे क्या है, टी एफ ऑफ टी। अब डेरिवेटिव करते हैं इसका, देखिए लैपलेस इनवर्स माइनस टू एज इट इज़ लॉग एस प्लस वन का डेरिवेटिव एस प्लस वन, माइनस में इसका डेरिवेटिव एस प्लस टू, माइनस में एस प्लस थ्री, ये बन गया और इज इक्वल टू टी एफ ऑफ टी के इक्वल आ गया हमारे पास, माइनस साइन खोल देंगे तो यहाँ से लैपलेस इनवर्स देखिए क्या बनेगा, माइनस टू अपॉन एस प्लस वन, प्लस में वन अपॉन में एस प्लस टू, प्लस में वन अपॉन में एस प्लस थ्री, किसके इक्वल आ गया, टी एफ ऑफ टी के इक्वल। देखिए लैपलेस इनवर्स एस प्लस वन किसके इक्वल होता है, माइनस टू ई रेस टू पावर माइनस टी के, ये किसके इक्वल होगा, ई रेस टू पावर माइनस टू टी, और वो ई रेस टू पावर माइनस थ्री टी, किसके इक्वल हो गया, टी एफ ऑफ टी। तो एफ ऑफ टी क्या चला जाएगा, वन बाय में टी, यहाँ से हमारे पास ई रेस टू पावर माइनस टू टी, ई रेस टू पावर माइनस थ्री टी माइनस ई रेस टू पावर माइनस, ये हमारे पास में एफ ऑफ टी की वैल्यू आ जाएगी। देखिए दोबारा देख लीजिए, थोड़ा कन्फ्यूजिंग है ये, हमें ये हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको एफ ऑफ टी के इक्वल लेट कर लेते हैं, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एस हो जाएगा क्योंकि फंक्शन है इसका। अब हमें पता है कि अगर एफ ऑफ, अगर हमारे पास लैपलेस इनवर्स एफ ऑफ एस किसके इक्वल है, एफ ऑफ टी के इक्वल है, तो हमारे पास लैपलेस इनवर्स माइनस डी बाई डी एस एफ एस किसके इक्वल होगा, एफ टी एफ ऑफ टी। बस एफ एस की जगह क्या पुट करना है, ये लॉग वाली टर्म पुट करनी है, फिर उसको फॉर्मूलाज लगा के खोल दिया और डिफरेंशिएशन कर दिया। डिफरेंशिएशन के बाद देखिए ये हमारे पास में लैपलेस इनवर्स वाले फॉर्मूले खोल दिया एक्सपोनेंशियल में, और वहाँ से टी भी क्या कर दिया, डिवीजन में डाल दिया। एज इट इज़ आपने क्वेश्चन नंबर 14 तक करनी है, उसके बाद आता है टेन इनवर्स टू बाई एस, ये भी हमारा बिल्कुल सेम इसी तरह जाएगा। क्या है लैपलेस इनवर्स टेन इनवर्स टू बाई एस है, इसको लेट कर लेते हैं, किसके इक्वल है, एफ ऑफ टी के इक्वल है। रिजल्ट यूज़ करना है क्या, कि लैपलेस इनवर्स माइनस डी बाई डी एस एफ ऑफ एस किसके इक्वल होगा, टी एफ ऑफ टी के, ये रिजल्ट हमने यूज़ करना है यहाँ पे। और एफ ऑफ एस क्या है, टेन इनवर्स टू बाई एस, तो लैपलेस इनवर्स माइनस डी बाई डी एस टेन इनवर्स टू बाई एस किसके इक्वल है, टी एफ ऑफ टी के इक्वल है। करते हैं डेरिवेटिव, क्या बनेगा हमारे पास यहाँ से, वन अपॉन में माइनस वन प्लस में फोर बाय में एस स्क्वायर इंटू में टू बाय में एस स्क्वायर, ये हमारे पास में क्या चला जाएगा, इसका डेरिवेटिव चला गया। टेन इनवर्स का तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है, वन अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर, और टू बाई एस का डेरिवेटिव तो माइनस टू बाई एस स्क्वायर। तो लैपलेस इनवर्स अगर मैं एलसीएम लेके सॉल्व करूँ तो देखिए क्या बनेगी मेरे पास, माइनस माइनस प्लस टू बाई में एस स्क्वायर प्लस फोर, ये बन गई, और ये किसके इक्वल है, टी एफ ऑफ टी के इक्वल है। टू देखिए टू बाई में एस स्क्वायर प्लस फोर, इसको मैं लिख सकती हूँ टू बाई में एस स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर इज इक्वल टू टी एफ ऑफ टी, और टू बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इनवर्स किसके इक्वल होता है, साइन टू टी टी एफ ऑफ टी। तो एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन बाई टी साइन टू, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका इनवर्स बन जाएगा हमारे पास, एफ ऑफ टी की वैल्यू आ जाएगी। बस यही फॉर्मूला किया है, की डेरिवेटिव किया है और उसका फिर लैपलेस इनवर्स फाइंड आउट किया है, एफ ऑफ टी की वैल्यू कंप्लीट। नेक्स्ट है 16th क्वेश्चन, देखिए
सिक्सटीन्थ में क्या है, एस प्लस टू अपॉन में दिस। देखिए डेरिवेटिव में कोट इनवर्स वाला भी सेम जाएगा, तो सेवनटीन्थ आप बिल्कुल सेम ट्राई कीजिएगा। सिक्सटीन की हिंट दे देती हूँ मैं, लैपलस इनवर्स एस प्लस टू अपॉन में एस स्क्वायर एस प्लस वन एस प्लस सॉरी एस माइनस टू ये बन जाएगा। देखिए सबसे एस स्क्वायर है तो डबल इंटीग्रेशन चला जाएगा किसका, इस एस प्लस टू और एस प्लस वन का। यानी सबसे पहले हमने लैपलस इनवर्स निकालना है एस प्लस टू एस प्लस वन और एस माइनस टू का। पार्शियल फ्रैक्शन से लैपलस इनवर्स निकाल लेंगे, जो भी आपके पास आएगा उसमें क्या कर देंगे, डबल इंटीग्रेशन कर देंगे, जीरो से टी डी जीरो से टी और साथ में डी टी डी टी। जो भी आपके पास ये चीज़ आएगी उसका टू टाइम इंटीग्रेशन करना है आपको। सिक्सटीन क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, नहीं आता है तो मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके दिखा दूंगी। नेक्स्ट आ जाता है एटीन्थ क्वेश्चन, लैपलस इनवर्स निकालना है एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। हमने ये फाइंड आउट करना है यहाँ पे एटीन्थ क्वेश्चन के अंदर। देखिए यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि f ऑफ s की, तो f ऑफ s गिवन होता है s अपॉन में s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसको लेट कर लेते हैं किसके इक्वल, f ऑफ t के इक्वल। ठीक है, ये हमारे पास अब रिजल्ट यूज़ करना है हमने यहाँ पे। ये जब होल स्क्वायर वाला हो ना, देखिए इनका ना इंटीग्रेशन बहुत आराम से हो सकता है, क्योंकि अगर s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को मैं क्या मान लूँ, जेड मान लूँ, तो फिर उसका डेरिवेटिव 2s ds वो क्या चला जाएगा हमारे पास में, dz चला जाएगा। तो इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है, तो हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है यहाँ पे, लैपलस इनवर्स इंटीग्रेशन s टू इन्फिनिटी f ऑफ s ds किसके इक्वल होता था, f ऑफ t बाई t के इक्वल। हमने ये रिजल्ट यहाँ पे यूज़ करना है, क्योंकि इंटीग्रेशन करना काफ़ी इजी है इसका। इस रिजल्ट का यूज़ कीजिए इसके अंदर, तो क्या बनेगा, लैपलस इनवर्स एस से इन्फिनिटी एस डी एस बाई एस स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, और ये किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ टी बाई में टी के इक्वल हो जाएगा। देखिए मैं क्या करती हूँ, टू से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, टू से ही डिवाइड कर लूँगी मैं इसको। जब मैंने इसको सॉल्व किया है तो देखिए क्या बनेगी, वन बाई टू लैपलस इनवर्स, यहाँ से क्या हो जाएगी, एस स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की पावर क्या हो जाएगी मेरे पास में, माइनस वन आ जाएगी, माइनस वन बाई में क्या चली जाएगी, वन चली जाएगी, और लिमिट क्या हो जाएगी एस से लेके इन्फिनिटी, ये सारा लैपलस इनवर्स के अंदर है, एफ ऑफ टी बाई में टी के इक्वल। देखिए वैल्यू पुट अप अगर हम करें तो देखिए क्या बनेगा, इन्फिनिटी पुट करूँगी तो क्या देगी वैल्यू, ज़ीरो देगी। इसको मैं लिख सकती हूँ वन बाई टू लैपलस इनवर्स ऑफ माइनस वन अपॉन में एस स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, ये हो जाएगी, और क्या है एस से लेके इन्फिनिटी, ये लैपलस इनवर्स किसके इक्वल है, एफ ऑफ टी बाई में टी के इक्वल है। इन्फिनिटी पुट करूँगी जीरो, एस पुट करेंगे एज इट इज़, तो वन बाई टू लैपलस इनवर्स बन गया किसका, वन अपॉन में ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, और ये क्या है एफ ऑफ टी बाई में टी, ये क्या हो जाएगा, वन बाई टू ए साइन ए टी एफ ऑफ टी बाई में टी, टी मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या बन जाएगी, टी बाई टू ए साइन ए टी, ये हमारे पास क्या जाएगा एफ ऑफ टी की वैल्यू। बस क्या किया है, इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लगाया है, इंटीग्रेशन सॉल्व किया है, बस हमारे पास क्या हो जाएगा एटीन क्वेश्चन आ जाएगा। नाइनटीन्थ में देखिए एस स्क्वायर है, एस स्क्वायर अपॉन में दिस, ऊपर तो एस है नीचे क्या है एस स्क्वायर है, और एस स्क्वायर वाला फॉर्मूला देखिए नाइनटीन्थ क्वेश्चन में लैपलस इनवर्स एस स्क्वायर अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये है हमारे पास। अब भी हमने प्रूव किया कि लैपलस इनवर्स एस बाय में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर किसके को लाया है, वन बाय में टू ए टी साइन ए टी, अभी प्रूव किया हमने। और ऊपर देखिए एस स्क्वायर वाला है तो एस एफ ऑफ एस का फॉर्मूला कौन सा था हमारे पास में, जिसमें एस एफ ऑफ एस मल्टीप्लाई में हो रहा था, ये रहा कि एस एफ ऑफ एस किसके इक्वल है, डी बाई डी टी एफ ऑफ टी के इक्वल है। तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ क्या, मैंने यूज़ किया है तो लैपलस इनवर्स एस इंटू में एस अपॉन में एस स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर को होल स्क्वेयर क्या चला जाएगा, डी बाई डी टी वन बाई टू ए साइन ए टी। बस मैंने क्या किया, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला था लैपलस इनवर्स एस इंटू एफ ऑफ एस, और एफ ऑफ एस मैंने अभी प्रूव किया कि एस इसका लैपलस इनवर्स इसके इक्वल है, तो अगर मैं इसको एस से मल्टीप्लाई करूँगी तो वन टाइम डेरिवेटिव चला जाएगा। तो यानी लैपलस इनवर्स एस स्क्वायर अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर किसके को आ जाएगा, वन बाई टू ए करिए डेरिवेटिव टी
कोस ए टी इंटू में ए, और प्लस में क्या बचेगा हमारे पास में साइन ए टी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, 19 क्वेश्चन कंप्लीट। एसकेयर है ना तो ऊपर, इसलिए मैंने क्या किया है कि इसको एस से मल्टीप्लाई किया और वो डी बाई डी टी। देखिए वन अपॉन में एसकेयर प्लस ए स्केयर का होल स्केयर है। यहाँ पे क्या किया हुआ है, देखिए इसका ही 18 का यूज़ करेंगे, इसमें एस से डिवाइड किया हुआ है, उसमें तो एस से मल्टीप्लाई था, इसमें क्या किया है इन्होंने, एस से क्या किया है, डिवाइड किया हुआ है। और डिवीजन वाला फॉर्मूला हमारे पास ये रहा, क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, लैप्लास इनवर्स एस बाई में एस स्केयर प्लस ए स्केयर, अभी मैंने सोल्व किया किसके इक्वल है, 1/2 a साइन ए टी। अगर मैं लैप्लास इनवर्स क्या कर रही हूँ, एस से डिवाइड कर लूँ अगर मैं, ठीक है, तो मैंने अगर मैं एस से डिवाइड कर लूँ, देखिए एफ ओ एस को एस से डिवाइड करेंगे तो 0 to t इंटीग्रेशन चला जाता है, तो ये क्या चला जाएगा, 0 to t इंटीग्रेशन किसका, टी साइन ए टी बाई टू ए डी टी। इंटीग्रेशन आपको आता ही है, यानी लैप्लास इनवर्स 1/ एस स्केयर प्लस ए स्केयर का होल स्केयर क्या चला जाएगा, 0 to t 1/2 a बाहर, टी साइन ए टी और साथ में क्या है, डी टी। इंटीग्रेशन आप सॉल्व कर लीजिएगा, वो इजी है, कर ही लोगे आप।